नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IQ Z6 Pro मोबाइल में ऐप को हाइड कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई भी ऐप हो, सारी की सारी ऐप को आप हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, ऐप को हाइड करने के लिए आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे आप दोस्तों, यहाँ से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का, तो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे 6 अंकों का पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। अगर दोस्तों आप 6 अंकों का पासवर्ड नहीं बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप 4 डिजिट में पासवर्ड रख सकते हो और पैटर्न में भी रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से हम 4 डिजिट में रखेंगे, तो इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों 4 अंकों का कोई भी आप यहाँ से पासवर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ से बना लेते हैं। बनाने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार वही वेरीफाई करेगा, री इंटर वही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने पहले डाला है। जैसे दोस्तों आप डाल दोगे, तो आपके यहाँ पे एक सिक्योरिटी आंसर देना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी आंसर दोस्तों इसलिए मांगा जाता है, जब आप प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाओगे, तो ये सिक्योरिटी आंसर दे के आप प्राइवेसी पासवर्ड को फॉरगेट कर पाओगे। दोस्तों जो भी सिक्योरिटी आंसर डालना है दोस्तों आपको याद रखना है। तो सिक्योरिटी आंसर में कुछ भी आप डाल सकते हो, जो भी आपको डालना रहे। डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे भी यहाँ पे भी डाल देना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको डन दिखेगा, डन पे क्लिक कर देना। जैसे डन पे क्लिक कर दोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको नीचे हाइड ऐप का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ से व्यू हिडन ऐप्स के सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देना है। दोस्तों स्टिक को इनेबल करने से आप जो ऐप हाइड करोगे उसको चलाने में आसानी होगी। और दोस्तों नीचे आप आओगे तो दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे, सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपको जिस एप्लीकेशन को हाइड करना है उसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देना है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए हम यहाँ से अपना फेसबुक हाइड करेंगे, इसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देंगे। जैसे दोस्तों टिक यहाँ पे इनेबल कर देंगे, तो यहाँ नेवर रिमाइंड पे टिक करके ओके कर देना है। अब दोस्तों जितनी भी एप्लीकेशन आपको हाइड करना है उसके सामने टिक यहाँ से इनेबल करते जाना है। जैसे दोस्तों यहाँ से इनेबल करते जाओगे, जितनी भी एप्लीकेशन के सामने टिक इनेबल कर दोगे, वो सारी एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो जाएंगी। अब आपको स्क्रीन पर चल कर दिखा देते हैं, हमारा फ्लिपकार्ट या फेसबुक हाइड हुआ या नहीं, यहाँ से दोस्तों कट किया। अब दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं, कहीं भी हमारा ना तो फेसबुक दिख रहा है और ना ही हमारा फ्लिपकार्ट दिख रहा है। इसका मतलब दोस्तों सक्सेसफुली हाइड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात ऐप को हाइड करने की। अब सर अगर आपका मन हुआ चलाने का, तो चलाएंगे कैसे? दोस्तों चलाना बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको 2 उंगली लेना है, स्क्रीन पर रख के ऊपर को इस तरह से स्लाइड करना है। जैसे स्लाइड कर दोगे, आपने जो भी वहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे वो यहाँ पे आप डाल दोगे, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हाइड रहेंगी वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप IQ Z6 Pro मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।